तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। मैं अपील करती हूँ आप लोगों से कि प्लीज आप इसके लिए थोड़ा आगे तक थोड़ा कोशिश करो, और यहाँ की पुलिस को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज किसी के प्रेशर में मत आओ, उसी के भले के लिए जो कुछ हो रहा है हो रहा है। उसने आज शरीफ बनना और नॉर्मल लोगों के ऐसा बिहेव करना, ये हम दुनिया में रह रहे, सोसाइटी में रह रहे, नाम खराब हो रहा हमारे औरंगाबाद का, नाम खराब हो रहा मोतीवाला परिवार का, मोतीवाला परिवार का क्यों भाई, हम मुस्लिम से हमारी पूरी कम्युनिटी का नाम खराब हो रहा है। जो भी है इंशाल्लाह हम लोग मशवरा करेंगे, सेटलमेंट का तो मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा कोई झगड़ा किसी कोई चीज़ को लेकर है ही नहीं, ये सिर्फ उसको सुधारने का काम है। मैडम आपका हमारे चैनल में स्वागत है, आप ये बोलिए कि पूरा विवाद क्या रहा और आपकी शिकायत क्या रही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये इनका जो 8 तारीख को इनको बुलाया था ऑफिस में, सिद्दीक मोतीवाला साहब जो हमारे चाचा ससुर है उनको बुलाया था उन्होंने बात करने के लिए, कुछ मैटर होगा उनका ट्रस्ट का मैटर कुछ था उसको लेकर बुलाया था, वो गए होंगे वहाँ पर। उनका कॉल आया मुझे 2:15 के टाइम पे मेरे हस्बैंड का कि मेरे साथ में हाथापाई हुई है, मुझे मारा गया है वहाँ पर, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है तो तुम आओ और मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। मैं जब तक वहाँ पहुँची तब तक थोड़ा ठीक लग रहा था उनको, लेकिन उनके हाथ में से खून वून जा रहा था, हाथ पैर काँप रहे थे। तो मैंने पूछा उनको कि भाई क्या मसला है, तो बोले मुझे सिद्दीक मोतीवाला साहब की जो ऑफिस है निराला बाज़ार में वहाँ पर बुलाया गया था, और वहाँ पे बातचीत के दौरान अतीक मोतीवाला और अशफाक मोतीवाला ने मुझे पकड़ के पीटा, साथ में उनके कुछ 2-3 और भी उनके स्टाफ के लोग थे जो काम करने वाले होंगे वो सब ने मिलके पीटा। जैसे तैसे इन्होंने अपने आप को छुड़ा के वहाँ से निकले और मुझे कॉल किया। ये सुन के मेरे को लगा चलो घर का मामला है, मैं चाचा ससुर जो है सिद्दीक मोतीवाला साहब उनसे जाके बात करती हूँ कि भाई क्या मसला है ये, ऐसे हाथापाई करने से तो थोड़ी होगा वो। तो मैं जाकर देखी तो कोई भी दिखा नहीं मुझे उस टाइम पे ऑफिस में, सिर्फ एक दूर थोड़ा सा एक केबिन है आखिरी में, वहाँ पर अतीक मोतीवाला खड़ा था। तो मैंने कहा, पूछा उनको जाकर कि भाई क्या बात है, क्यों इतनी मारा पीटी की आप लोगों ने, वजह क्या है इसकी। तो उन्होंने बहुत गंदी गालियाँ देते हुए मुझे बोला कि चले जा तू भी यहाँ से, वरना जो तेरे शौहर को पीट के हल किया ना वही तेरा भी हल करूँगा। तो मैंने उस वक्त बोला कि भाई हाँ भाई, अभी तो आजकल तो चर्चा में है, बहुत सारे आपके अगेंस्ट केस भी है और गुंडागर्दी तो तुम कर ही रहे हो, मुझे मालूम है तुम पीटोगे ही। बस ये सुना उसने और जो वहीं पर मुझे उसने पीटना शुरू किया, पीटना यानी ऐसा छोटा मोटा पीटा नहीं है, मुझे अच्छा मारते हुए बाहर उनकी लॉबी है वहाँ पर हमारे रिश्तेदार भी कुछ खड़े थे और उनके खुद के भी लोग खड़े हुए थे, उनके सामने ले जाके मुझे लॉबी में फेंका और मैं वहाँ जाके गिर गई। इसके बाद थोड़ा मुरव्वत में मेरे एक रिश्तेदार था वहाँ पर, उन्होंने मुझे उठाया और वहाँ पर सोफ़ा पर बिठाया, उसमें हमारी बातचीत हुई। लेकिन बातचीत के दौरान जो मैं उसको बोली, उसने सामने से मुझे बोला कि तू यहाँ से चले जा, लिटरली ही मोलेस्टेड, उन्होंने कहा तू चले जा यानी सबके सामने मैं तेरी इज्जत ख़राब कर दूंगा यहाँ से, बिल्कुल चले जा। वो चक्कर में मैं उठ के थोड़ा दरवाज़ा वरवाज़ा खोलने लगी, उनमें वहाँ पर एक गौतम करके एक उनका लड़का है वो दरवाज़ा खोलने नहीं दे रहा, बाहर पब्लिक खड़ी थी मुझे अंदर बचाने के आने के लिए, और या तो फिर मेरे साथ में मेरी एक लड़की थी वो बाहर जाके हेल्प मांगना चाहती थी, वो लड़का गेट पे अड़ा रहा, दरवाज़ा नहीं खुला, ना हमको बाहर जाने दे रहा था ना बाहर के लोगों को अंदर आने दे रहा था। ये देख के फिर मुझे लगा कि मुझे अब पुलिस को कॉल करना चाहिए, तब मैंने 100 को कॉल किया और उनको हेल्प के लिए बुलाया। बट जी अच्छा मैडम, आप ये बता पाएंगे हमारे तमाम जो औरंगाबाद के शहरियान हैं और जो मोतीवाला फैमिली से बेपना मोहब्बत करते हैं, उनका एहतराम भी करते हैं, इकराम भी करते हैं, क्योंकि आपकी बड़ी सामाजिक खिदमत रही है औरंगाबाद के अंदर, ये तमाम शहर जानता है, और इस तरह से अगर विवाद सामने आता है तो हम समझते हैं पूरे शहरियान में एक तशवीश का माहौल है और एक बेचैनी है, क्योंकि आपकी एक उनसियत है, आपके बड़े एहसानात है औरंगाबाद के ऊपर, आपने एक बहुत बड़ा काम किया है, अमानुल्लाह मोतीला साहब से आपका नाम जुड़ा हुआ है, उस वजह से आपको पूरा औरंगाबाद शहर बिला लिहाज मिल्लत बड़ा एहतराम की निगाह से देखता है और अकीदत से देखता है। क्या बता पाएंगे हमारे दर्शकों को कि पूरा ये जो विवाद हुआ तो ये प्रॉपर्टी का था या कुछ जायदाद का था, आखिर क्या था? ये प्रॉपर्टी का मैटर था ही नहीं, मुझे पहले तो बहुत नहीं पता था, लेकिन जब ये बहुत सारा कुछ हो गया फिर मैंने पूछा मेरे हस्बैंड को, तो बताया ये एक ट्रस्ट का मैटर था जो हमारे मेरे दादा ससुर के स्कूल है, एक स्कूल है ट्रस्ट के अंडर में चलती है और वो हमारे दादा ससुर ने फॉर्म किए थे, मोतीवाला ट्रस्ट है वो, और वो चला रहे हैं, वो स्कूल है यानी एक ट्रस्ट के अंडर में स्कूल चलती है और उसको बनाया गया था मेरे दादा ससुर के ज़माने में, और उनको 30 साल से हैंडल कर रहे थे हमारे ससुर, ठीक है। और उन वो ट्रस्ट में हम भी उनको कुछ गलत नहीं बोल रहे थे, हम यही बोल रहे थे कि अभी जो अपना बच्चा पढ़कर आया है बाहर से, मेरा जो लड़का है वो पढ़कर आया है, तो इनका बोलना ये था कि आपको ट्रस्ट में बेटे का नाम डाल दो, और उनका ज़्यादातर जोर ये था
कि वो जो है तो मेरे बेटे का नाम ना डालते हुए उनका एक राइट हैंड लड़का है जो उनके लिए काम करता है, नौकर ये क्या सईद नाम है उनका, वो उसको डालो। और वो उन्होंने मीटिंग्स में वो उतारा था, मीटिंग में जो मिनट्स रहती ना उन्होंने उतार के बाकायदा बोर्ड बना के उन्होंने साइन करने भेजा था। तो ये वजह से इनकी बातचीत हुई और वो हो भी सकता था, वो सॉल्व हो भी जाता था, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन उसको मारा पीटी करके डरा धमकाने की कोई वजह नहीं थी। और जो आप बोल रहे थे कि हमारे जो मोतीवाला परिवार का जो रहा है कंट्रीब्यूशन, वो तो इंशाल्लाह आगे भी रहेगा, उसमें हमने बढ़ाया ही है। मेरे शौहर ने यहाँ पर 12 साल दिए, उन्होंने नगर सेवक बन के रहे, पब्लिक इलेक्टेड पर्सन है वो, स्थायी समिति के चेयरमैन रह चुके हैं। मैं यहाँ पर जिनसी महिला सुरक्षा समिति में 15 साल दिए मैंने, मैं लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद एंजल से मैं 15 साल से काम कर रही हूँ। हमने तो नाम बढ़ाया ही है, ये अलग बात है कि मैं बहुत ज़्यादा मीडिया को अप्रोच नहीं किया था, और आगे भी इंशाल्लाह इसका काम रुकेगा नहीं। हमारी सिर्फ मोतीवाला परिवार में किसी से कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, बट ये जो हाथ उठाया है ना, ये सही नहीं है। पहले भी बहुत ज़्यादा लोगों पे अत्याचार हुए हैं, औरतों पे हाथ उठाए गए। मैं बोलती हूँ कैसे भी औरत रहे, लेकिन उसकी एक खुद की एक इज्जत होती है, कि सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। मैं अपील करती हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ आप इसके लिए थोड़ा आगे तक थोड़ा कोशिश करो। और यहाँ की पुलिस को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ किसी के प्रेशर में मत आओ। अच्छा मैडम, हमारा एक सवाल ये भी है कि आज औरंगाबाद शहर में बड़े मोतीबर शख्सियत है, उसमें उलमा इकराम भी है, पॉलिटिकल लोग भी हैं, और हमने हमारी चर्चा है, हम दौरे पे हैं, और सभी चर्चा है कि क्यों ना एक बड़े लोग मिलकर आपके सलाह समझौता करा दें, क्योंकि आप वैसे लोग हैं नहीं लड़ने भिड़ने वाले, लेकिन एक इत्तेफाकी हादसा कह सकते हैं हमें से। तो क्या मुमकिन है कि अगर वो सलाह आपकी ओर से एक समझौता का हाथ बढ़े या उनकी ओर से बढ़े तो आप गिले शिकवे दूर हो जाए, क्या इसके वाजे इम्कान है? मेरा गिला शिकवा किसी से है ही नहीं। मेरी जो मांग है अतीक मोतीवाला को सज़ा देने की, वो रहेगी। मेरी फैमिली से किसी से कोई बैर नहीं है। मैं आज भी उनका वो आएंगे, उनकी बहुत इज्जत करूंगी सारे के सारों की, और करती हूं और इंशाल्लाह करूंगी। बट मेरा जो प्रॉब्लम है वो अतीक मोतीवाला से है। आप कोई सुनेंगे कि आपकी लेडीज़ को इस तरीके से बोला जाए? मेरी शादी के टाइम पर 7 साल का बच्चा था वो, उसको हमने इस तरह दुनिया का प्यार करा है मैंने, ये सब कौन बर्दाश्त करके लेगा? उसी के भले के लिए जो कुछ हो रहा है। उसने आज शरीफ बनना और नॉर्मल लोगों के जैसा बिहेव करना, ये हम दुनिया में रह रहे, सोसाइटी में रह रहे, नाम खराब हो रहा, हमारे औरंगाबाद का नाम खराब हो रहा, मोतीवाला परिवार का क्यों भाई? हम मुस्लिम से हमारी पूरी कम्युनिटी का नाम खराब हो रहा है। साथ दो इस सब चीज़ों का। मैं जो भी है इंशाल्लाह हम लोग मशवरा करेंगे। सेटलमेंट का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा कोई झगड़ा किसी कोई चीज़ को लेकर है ही नहीं। ये सिर्फ उसको सुधारने का काम है, या तो उसको तुम उसके पहले तो रिवॉल्वर लेके घूम रहे हो, क्या बात है भाई? क्या ऐसे उसको वो प्रॉब्लम आ रही है? हम तो कोई नहीं लेके घूमते रिवॉल्वर। मैडम आपने इसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट किया है? FIR हुआ है उसके ऊपर, 354A हुआ है, 503 जिनसी में NC दिया हम लोग को। यहाँ पर घर पर आके हमारे पास डरा के गए हैं मोटरसाइकिलों पे लोगों ने। कौन से रिश्तेदारी होती है ऐसी? कोई भी बढ़ावा मत दो इन सब बातों को, सीधा स्ट्रेट वे अपनाओ। जो है कोर्ट देखेगा इसको क्या करना है, क्योंकि ये जो हुआ है अभी बहुत आगे निकल गई है सारी बातें। मेरा किसी कोई मोतीवाला परिवार में सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैंने किसी का नाम खराब करने की किसी करने की कोशिश नहीं की है। प्लीज़ आप मेरे तरफ से अगर कोई बुरा लगा हो किसी को तो मैं सॉरी बोलती हूँ, लेकिन ये मेरे सीधा सीधा रिक्वेस्ट है सब लोगों को, बस। ये थे अशरफ भाई और उनके मिसेस। और जैसा कि पूरा विवाद आज औरंगाबाद के अंदर, हम समझते हैं पूरे मराठवाड़े के अंदर ये मामला गूंज रहा है, और सब लोग हैरत में हैं, हैरत ज़दा हैं, क्योंकि ये फैमिली एक तालीम याफ्ता है, एक मौजिब है, और इस तरह से मामला का उजागर होना कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी का मामला है। हम तमाम मोतीवाला फैमिली से, जो इनके बड़े हैं, बुजुर्ग शख्सियत है, उनसे अदबन गुजारिश करते हैं तमाम शहरियान की तरफ से कि देखिए, आपका ये परिवार का मामला है, आपका आपसी मामला है, आप मिल बैठिए, क्योंकि आपकी रहनुमाई में शहर चलता है। अगर आपके इस तरह से मामला अगर रोड पे आएंगे तो सोचिए फिर ये कि हमारी उम्मत, ये हमारे मुसलमान समाज के क्या होगा। आज यहाँ तक कि हम समझते गैर मुस्लिम अफराद में चर्चा चल रही है कि ये मौजिब लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, इस्लाम के फॉलोवर हैं, यहाँ तक दीनी सरगर्मी में हिस्सा लेते हैं, और इस तरह के उनके मामला
पॉलिटिशियन में चले जाते हैं, मीडिया में आते हैं, तो ये वाकई शर्मिंदगी की बात है। बहरहाल ये झगड़ा और मामला चलते रहते हैं, हर अच्छाई के साथ एक बुराई है, हक के साथ बातिल भी है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो वायरल होने के बाद मोतीवाला फैमिली के तमाम जिम्मेदारान जो शख्सियतें हैं उनके पूरे अहले खानदान के और तमाम शहर के उलमा इकराम से हमारी अदबन गुजारिश है कि आप आगे बढ़िए और इनके दरमियान में जो भी अखलाकी एतबार से शरई एतबार से जो भी हो सकता है आप उनकी जो समझौता कराने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मोतीवाला फैमिली का नाम अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, औरंगाबाद के अंदर एक इनका एक बहुत बड़ा योगदान है और उम्मीद करते हैं कि शहरियान इसके लिए आगे आएंगे और अच्छे अंदाज से ये मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे।